पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी कि पीपीपी और नेशनल असेंबली की सदस्य शाजिया अट्टामारी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने महंगे दामों पर चीनी का आयात कर सरकारी खजाने को लूटा है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि 123 रुपये प्रति किलोग्राम पर चीनी आयात करने का निर्णय राष्ट्रीय खजाने के नुकसान के अलावा और कुछ नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाजिया अट्टामारी ने कहा है कि सरकार ने तय किया था कि चीनी सभी उपयोगिता स्टोरों को 85 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेची जाएगी। उन्होंने सवाल किया कि 38 रुपये किसकी जेब से जाएंगे। उन्होंने कहा है कि खुले बाजार में इतनी महंगी चीनी कोई नहीं खरीदेगा। इमरान खान अपने वित्तीय सहायकों को सबसे अमीर बना रहे हैं। इमरान खान ने आर्थिक मामलों से संबंधित हर मंत्रालय और विभाग में अपने वित्तीय सूत्रकार नियुक्त किए हैं। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या देश की सभी चीनी मिलें बंद कर दी गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि इमरान सरकार ने खराब नीतियों के कारण देश की आर्थिक स्थिति को सबसे खराब कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।